Good morning, all of you. Today discuss new topic, coordinate geometry. Coordinate geometry में coordinate से related हम लोग पढ़ेंगे. दो axis draw किए. First is known as x-axis or y-axis. This is horizontal axis and this is vertical axis. Name of horizontal axis x, o and x dash. This axis is known as horizontal axis and this is vertical axis y, o and y dash. There are two axes, x axis and y axis. ये fix होता है कि जो north रहेंगे वो y होगा, south में y dash, फिर right side क्या होगा? तो east और west. आप map में ऐसे पढ़ते हो ना, north, south, east and west. यहाँ east and west means x and y axis. कभी भी notebook में भी draw करोगे तो x एक्सिस को टॉप में नहीं दिखाना, टॉप में जब भी होगा तो y एक्सिस, y डैश बेस में होगा, x आपका राइट साइड होगा, x डैश लेफ्ट होगा. तो और जहां बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. हम इस ओ पॉइंट को क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, जिसका both coordinates are 0, 0. X भी 0 और Y भी 0. क्या clear नहीं है? आवाज? अब बोलो, ठीक है? नहीं है तो फिर से थोड़ा join करना, तो फिर से ज्वाइन करोगे हम उसको क्लियर कर देते हैं. कुछ प्रॉब्लम होता होगा, हाँ देख लो अब थोड़ा, ठीक है? केवल लाइन तो ड्रॉ किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. बोलो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर है? प्रज्ञा, अब आप ग्राफ पर देख, ठीक है? वीडियो आपका क्लियर? अभी भी क्लियर? अभी भी ब्लर आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा. पता हुआ क्या? यार तो है. बोलो, अभी ठीक है? आ रहा है क्लियर ना? तो करा नहीं आ रहा है क्लियर. चलो थोड़ा सा देखो, उसके बाद जो क्लियर नहीं होता बोलेंगे. तो आपका ये जो x और
ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई ओ और वाई डैश, यहाँ पर एक्स को चेंज भी कर सकते हो, एक्स को इधर कर देंगे तो एक्स डैश आपका ये साइड आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पर टेन स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ग्राफ पेपर पर देखोगे तो यहाँ पर टेन स्मॉल पार्ट बना हो रहता है, छोटा छोटा लाइन, टेन पार्ट के बाद एक डार्क रहेगा, तो ये टेन स्मॉल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। जब आप लेफ्ट साइड आओगे तो जैसे राइट साइड पॉजिटिव हुआ तो लेफ्ट साइड विल बी निगेटिव, टेन स्मॉल डिवीजन इजकल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, हम और लॉन्ग ले जा सकते हैं, आपका जितना नोट्स बुक का स्पेस है आप लिख सकते हो। अभी मेरे पास माइनस फाइव तक आया लेफ्ट साइड और सेवन तक गया राइट साइड। टॉप जाएंगे अपवर्ड इसको बोलते हैं, अपवर्ड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी ये वन आपका टेन स्मॉल डिवाइड, टेन स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है, तो टॉप पार्ट में अपवर्ड में पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और डाउनवर्ड में फिक्स है निगेटिव आएगा कोऑर्डिनेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक आया, सिक्स तक लिख दिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स तक। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो या ग्राफ बनाना हो या कोऑर्डिनेट को दिखाना है तो देयर आर फोर क्वाड्रेंट इन ए कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन हुआ जिसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाया फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया, क्या इसका नाम है इस पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम इसको क्या कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पार्ट क्या कहलाया तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट ये क्या कहलाया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोथ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या होगा पॉजिटिव, कारण यहां पर देखिए एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो आप पहला कोऑर्डिनेट एक्स का लिखते हैं इसलिए यहां प्लस से इंडिकेट करेंगे और वाई भी प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव and y axis is also positive, what is the coordinate of second quadrant या what is the sign of second quadrant, आप ये आपका पहले x axis है और ये y axis है इसी के, यानी ये आपका west और north, north west कह सकते हो, यानी first negative और सेकेंड पॉजिटिव, फर्स्ट मींस क्या एब्सिसा कहलाता है, एक्स एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा और वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा माइनस है और ऑर्डिनेट प्लस है, यानी एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर निगेटिव, गुड, एक्स भी देखो निगेटिव है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और वाई एक्सिस ऑल्सो निगेटिव, ये भी माइनस और माइनस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट या व्हाट इज द साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा,
पहले हम एक्स का बताएंगे, तो एक्स का पॉजिटिव, एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो अभी हम चार क्वाड्रेंट पर हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव। अब आते हैं जिसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट हो, एक्स एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। अब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे हम एक कोऑर्डिनेट लिख दिए यहां पर, एक राउंड कर दिए और देखो डॉट डॉट लाइन से डिनोट कर देते हैं, यहां थ्री से आया और ये आपका फोर से आया और इस कोऑर्डिनेट का नाम है ए, और क्या लिख सकते हैं यहां पर, एक्स एक्सिस फोर है और वाई एक्सिस थ्री है, फोर और थ्री, फोर और कॉमा थ्री। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से। आप लोग फोर कर रहे हैं, अब आप एनसीईआरटी का बुक निकालिए, बुक आपके पास है, ठीक है, चलिए कोई आंसर थ्री भी आ गया, आपका आंसर थ्री भी आ गया, चलिए पेज नंबर 56 में आइए, पेज नंबर 56 निकाल लिए। देखिए एक डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम यहां पर देखो पेज नंबर 56 में, जिसमें यहां पर नाम एम दिया हुआ है, यहां नाम आपका एन दिया हुआ है और इस ए के प्लेस पर पी पॉइंट कर दिया, क्या कर दिया है, पी नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, पहला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आपका ये है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 2 3 4, अरे इसका लेंथ क्या है, तो 4 यूनिट है, इसका लेंथ क्या है, 4 यूनिट, अरे 1 यूनिट 2 3 4, तो जो ये डिस्टेंस है अरे 4 यूनिट होगा। तो आपका हम पूछे थे एक्स एक्सिस से व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से ये लेंथ देखोगे, ये लेंथ कितना होगा, जो इधर होगा लेंथ वही आपका ये लेंथ होगा। तो अब आपका अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स एक्सिस से 1 2 3, और ये लेंथ कितना है, 3 यूनिट है। तो अब आपका क्वेश्चन पर निर्भर करता है, इसी में सेकेंड पार्ट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर द अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, यानी पी एम, यानी ये लेंथ पूछ रहा है, तो यानी इस यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, 3 यूनिट। पहले आप क्या बताए थे, 4 यूनिट। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसी कंफ्यूजन को दूर करना है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछेगा, जनरली लोग यहां से पूछेगा कि तो x से, तो x का लाइन देखेगा 1 2 3 4 डायरेक्ट बोल देगा 4 यूनिट, लेकिन नहीं, ये x से डिस्टेंस ये कहलाता है और y से ये डिस्टेंस हो गया, तो यानी x से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट और फ्रॉम y एक्सिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट। इट इज क्लियर। चलिए एक और, हम एक कोऑर्डिनेट और पूछते हैं, आपका बुक में भी दिया हुआ है, यहां पर
एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं 5 पॉइंट पर, बुक में माइनस 6 है, हम माइनस 5 के पास आए और एक माइनस 3 के पास आए और डॉटेड लाइन से इसको डिनोट कर दिए, यहां भी डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिए। इस कोऑर्डिनेट का नाम हम दे दिए क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस माइनस 5 और वाई एक्सिस माइनस 3, माइनस 5 और माइनस 3 लिख भी दिए, माइनस 5 और माइनस 3। अब क्वेश्चन है इसका कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये क्यू का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, कितना यूनिट होगा। हाँ, तो आप डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं बोलते हैं। हाँ, लेंथ कभी भी होगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव लेंथ नहीं होता। ठीक है, आप निगेटिव साइड आए हैं, कोऑर्डिनेट लिखेंगे निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस जहां पूछेगा, जहां लेंथ की बात आई, डिस्टेंस की बात आई, तो वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट। क्या होगा? 5 यूनिट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो 1, 2, 3 एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस है, 3 यूनिट। गुड, अब ये समझ गया क्वेश्चन। तो एक पहला डिस्टेंस आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कोऑर्डिनेट इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट लेना, तो कोऑर्डिनेट से आप बना सकते हो। अब आप आइए पेज नंबर 58, आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 58 का, उसका क्वेश्चन आपको बनाना है। हम ये ग्राफ को रहने देते हैं क्योंकि फिर इतना हमको लिखना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेट लेने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद कोई एक्सिस पर क्वाड्रेंट लेना है तो कैसे लेंगे, है ना? इसमें क्वेश्चन में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश तो आप कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है एम, 4 के सामने एम और माइनस 3। देखो आपका बुक में भी बना हुआ है पेज नंबर 58। बताओ तो यहां पर क्या कोऑर्डिनेट का नाम है, आप लोग बताइए। इसका नाम दे दिया है एम। हाँ, फिर आते हैं माइनस 5 से और जाते हैं माइनस 4 तक, इसका क्या नाम है इस कोऑर्डिनेट का? हाँ, एम नाम दिया हुआ है। इसके बाद एक एस है, एक यहां पर आपका नाम एस दिया हुआ है, यहाँ पर नाम आपका एस है, और एक कोऑर्डिनेट बी है जो 4 और 3 के पास ले गया।
इसका नाम कोऑर्डिनेट का बी है। क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे इसी में, कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, पॉइंट बी का बी इज दिस पॉइंट, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट एट द पॉइंट बी। एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखो 1 2 3 4, गुड आप ठीक बताए, एक्स एक्सिस 4 होगा। व्हाट इज द ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1 2 3 जो वाई एक्सिस से आया इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को दूसरी तरफ से ऐसा ग्राफ बना देगा, बी कोऑर्डिनेट नाम लिख देगा, पूछ देगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में 4 और 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4 और 3 ब्रैकेट में लिखोगे। अगर कोई स्टूडेंट इस कोऑर्डिनेट को 3 पहले लिख देता है और 4 बाद में लिख देता है, इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब 3 पहले लिख दिया तो 3 और 4 वो कोऑर्डिनेट आपका यहां पर लाई करेगा, 3 4 कहां लाई करेगा, इस पॉइंट पर, देखो यहां से 3 और यहां से 4 आया, तो वो रॉन्ग कोऑर्डिनेट हो गया, यहां पर तो नहीं लाई कर रहा है, तो बी कोऑर्डिनेट यहां लाई कर रहा है 4 3, इसीलिए आपको अरेंज करके लिखना है कि पहला एक्स एक्सिस अदर वाई एक्सिस। तो पहला समझ में आ गया क्वेश्चन, तो एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 3, यहां डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, दैट इज पॉइंट एम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एम, राइट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर डैश एंड डैश। हाँ, अगर माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे, -3 और 4, यही कोऑर्डिनेट हो गया एम का। हाँ, जहां लेंथ दिखाना हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो वहां पर नेगेटिव नहीं दिख, लेकिन जहां कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, कोऑर्डिनेट लिखना हो एम का, तो माइनस भी हम दिखाएंगे। गुड, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 57, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, इस पॉइंट एल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, क्या होगा, गुड, -5 और -4, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, -5, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस -4। ऐसे भी अभी आप पढ़े हो क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, वही दोनों माइनस में है। एक्स क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, देखिए दोनों पॉजिटिव है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, देखिए एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। लास्ट क्वेश्चन इसी का है, द कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, वेयर इज द पॉइंट एस, दिस पॉइंट इज पॉइंट एस, तो 3 और, हाँ 3 एंड -4, क्योंकि इन फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, तो एक्स हो गया क्या 3 और वाई क्या हो गया -4। तो ये आप कोऑर्डिनेट लेने के लिए सीख रहे हैं, है ना, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, अभी कोऑर्डिनेट लेने के लिए जो जो बताया समझ में आ गया, चलिए गुड। अब आते हैं
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस. हाउ मेनी एक्सिस इन दिस क्वाड्रेंट, इन दिस कार्टेशियन प्लेन? देयर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो अब आप आइए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 59 का एग्जांपल नंबर 2 में क्वेश्चन है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस. अगर कोई एक्सिस पर है तो कैसे मार्क करेंगे? इसको हम हटा देते हैं. देखिए क्वेश्चन, देखिए पेज नंबर 56. आपका यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि ये 3 पर है. यहां डॉट दे करके यहां बी नाम लिख दिया है. क्या नाम लिखा हुआ है? बी. ठीक है. दूसरा कोऑर्डिनेट है ए, जो पॉइंट 4 के पास है. एक कोऑर्डिनेट यहां पर नाम ए लिखा हुआ है. दो नाम लिख लिए, ए और बी. नेक्स्ट है -5 के पास, ऐसे राउंड करके सी कर दूंगा. यहां पर नाम दिया हुआ है सी. और एक बी पॉइंट है -4 के पास, जिसका नाम दिया हुआ है डी. 4 कोऑर्डिनेट है, ए बी सी और डी. देखो इस पॉइंट पर यहाँ ए लिखा हुआ है जो कि एक्स एक्सिस पर है. दिस पॉइंट इज बी ऑन वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज सी इज ऑल्सो एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज बी ऑन द वाई एक्सिस. क्वेश्चन इज कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस. अब इस ए का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बताओ कोई? हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपका कहना है 4 होगा और 0 होगा. यानी ये 4 और 0 क्यों हुआ? The point A is a distance of 4 unit from the y-axis. आपका ये y-axis है. y-axis से A का distance कितना है? 4 unit है. 4 unit कहाँ से? y-axis से है. इसलिए यहाँ 4 लिए. और x-axis तो ये already है. x-axis से इसका distance क्या है? 0 unit. है ना? x-axis से इसका distance 0 यूनिट है. ओके, तो हम यहीं पर आंसर लिख दिए. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए 4 और 0. ये ध्यान रहे कि कभी भी कोई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखना हो, या तो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, तो एक कोऑर्डिनेट 0 जरूर होगा. एक कोऑर्डिनेट 0 आपको जरूर मिलेगा. अब बताइए तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी इज दिस पॉइंट. यहां पर 3 है, 4 तो ऊपर है, यहां पर क्या है? 3 है. हाँ, तो 0 और 3 होगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस पॉइंट बी, distance of point B from x axis is 1 to 3 units. इसलिए y coordinate क्या हो जाएगा? 3 units हो जाएगा.
the coordinate of the point B are 0 and 3. इसलिए 0, 3 लिख दिए. What is the coordinate of the point C? C नाम भी है यहाँ पर कहीं. ये C point. हाँ, क्या हो जाएगा? माइनस फाइव और जीरो. तो माइनस फाइव, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव एंड जीरो होगा. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी? डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी, हाँ, जीरो और माइनस माइनस फोर. तो ऐसे कोऑर्डिनेट में आप क्या देखें कि कोई एक अगर जीरो हो तो वो एक्सिस पर लाई करेगा. कहाँ लाई करेगा? कोई भी एक्सिस पर लाई करेगा.